प्रधानगी मंडल और सेमिनार हाल दे विच समुचे श्रोता जन सारयां नूं ही सत्कार सहित फतेह दी अर्ज करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इस विचार गोष्ठी दे विच संत बाबा अमीर सिंह जी उन्हां नूं वधाई दिंदा हाँ। असी सारे ही बहुत बड़भागी हाँ कि अज सानू उस स्थान ते बैठण दा सुभाग प्राप्त होया, जिस स्थान ते बहुत समा पहला महान शख्सियत संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने गुरमुख संगीत का बाग इत्थे सुरजीत किया। इस गुरमुख संगीत दे बाग दे विचों देसां विदेशां दे विच जिहड़े इत्थों दे फुल लगे वह हुण देसां विदेशां दे विच गुरमुख संगीत अते गुरसिखी दे प्रचार की महक है जिहड़ी वह बंड रहे ने। मेरे नाल इस समय बोलण की जिहड़ी हालत है वह इस तरह हो गई है कि जो मैं अपने मन दे विच विचार लैके इस मंच ते बोलण लई आप जी दे नाल सांझे करन लई आया सी, उन्हां विचारां दे विचों बहुत सारे विचार बहुत सारे बुलारियां ने तुहाडे सामने पेश कर दिते ने। एक पुरानी गल याद आई, पुराने समय की गल है, एक बंदा अपने सहुरे चलिया गया। वो सहुरे जाके जदों नवां नवां बंदा सहुरे जांदा ना उहदी काफ़ी चंगी खिदमत हुंदी है, आओ भगत हुंदी है। उहदी सस ने बनाए गुलगुले, अमृतसर साइड ते पता नहीं गुलगुले की हुंदे आ, मालवे दे विच गुलगुले बनाए जांदे आ जदों मीह पैंदा, सौण दे विच खास करके गुलगुले बनाए जांदे आ। नवीआं बीबीआं नूं नहीं पता होणा गुलगुले की हुंदे आ, ते उन्होंने बनाए गुलगुले उदों तुर के जांदे सी, उहनूं बड़े सवाद लगे। सौण दा महीना सी, मीह पिया होया सी, बड़े सवाद लगे ते गुलगुले खा के ना उहने हुण सहुरे घर दुबारे तां मंग नहीं सकदा, जिन्ने को देते खा ले। जदों उन्हें मन दे विच विचार बनाई भी ये मैं ना घर जाके अपने घर वाली तों बनवा के खावांगा, कहिंदे तुरिया जांदा वो जांदा जांदा रस्ते च चेते रख्या उन्हें भी गुलगुले गुलगुले, कहिंदा गया भी गुलगुले बनवाऊंगा तो खाऊंगा। मैं अपनी हालत दस रहा जिहड़े मैं विचार सोच के आया सी, ते वो रस्ते दे विच तुरिया आउंदा एक खाला नूं टपना पै गया पानी वाला, जदों उन्हें टप के साल मारी उहदे मुख च निकल गया हूपड़े, तो गुलगुले भुल गया, हुपड़े हुपड़े करदा घर पहुँचया। तो घर आके कहन लग्या, लै वी भागवान ने तेरी माता ने मेरी बहुत सेवा की, तो मैनू हुपड़े खवाए, तू मैनू होर हुपड़े बना के खवा। जे तो अजकल का समा हुंदा जिस तरह अजकल वट्सअप फेसबुक सोशल मीडिया यूट्यूब पर सारा कुछ सानू मिल जाता है, जिहड़ी चीज़ तुसीं बनाउणी है उहदे विच रिसर्च करो तुहानू मिल जाती है, उदों ये जिहड़ी फैसिलिटी नहीं सी। तो वह होना बेचारी भागवंती कहती भी मैनू तो समझ नहीं, मैं कदे बनाए नहीं हूपड़े की होंगे आ। उन्हें फिर कहा दो चार बाद हूपड़े बना, गुरु नानक साहब के सिद्धांत का धारनी नहीं सी, सहनशीलता है नहीं सी। तो गुरु सवार्यो उन्हें अपने घरवाली दे कन्ना ते दो दो चपेड़ा मारिया, रौला सुन के गुआंढन आ गई, तो गुआंढन ने आके कहा टुट पैने की गल हो गई, बेचारी दे कन्न कुट कुट करे गुलगुलियां वर्गे करते। तो गुरु सवार हो कहण तो भाव है कि जिहड़े विचार मैं करने सी वो बहुत सारे बक्ते तुहाडे नाल सांझे कर गए हैं। मेरे पेपर का विशा सी गुरु नानक साहिब जी की सर्व कल्याणकारी प्रतिभा, क्योंकि समुचे संसार का कई बार पसारा होया, ये उपजदा ते बिनसदा रहा है। ये धरती ते पैदा होने वाले जीव जंतु समुची बनस्पति समय समय तब्दील हुंदी रही है और हुंदी रहेगी। जिस तरह अथाह समुंदर दे विच हर घड़ी बेअंत लहरां उठदियां ते मिट जांदियां हन, उसे तरह इस विशाल जगत दे विच
अनंत काल तो लै करके हुण तक अणगिणत मनुख पैदा होए ते मिट गए, पर असी अज गुरु नानक साहिब जी नूं जिन्हां दा आगमन इस नासवंत संसार दे उपर 550 साल पहला होया उन्हां नूं अज असी याद कर रहे हैं, उन्हां दी याद दे विच जुड़े हैं। बहुत सारे बुलारियां ने गुरु नानक साहिब जी दे सिद्धांतां दे गल कीती, गुरु नानक साहिब जी दी सर्वसांझी बालता ते गल कीती, ते जिहड़ा मनुख देही है ये बहुत ही बड़े भागां दे नाल सानू प्राप्त हुई है। दुर्लभ देह पाई वडभागी, ये दुर्लभ देह है जिहड़े वड्डे भागां नाल मिली है ते बड़ी ही घालना दे नाल प्राप्त हुई है। गुरसेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई, इस देही को सिमरह देव सो देही भज हर की सेव। ते गुरु सवारियो, गुरु नानक साहिब जी बारे सब तो पहला भाई गुरदास जी ने जिहड़ा उन्हां दे आगमन बारे विचार दिता है, वह कहिंदे आ सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्योंकर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। उस समय अज्ञानता दा पापा दा समुचे संसार दे विच जिहड़ा अज्ञानता दा हनेरा छाया होया सी वह गुरु नानक साहिब जी दे प्रकाश होण दे नाल दूर होया। ते गुरु नानक साहिब जी बारे गुरबाणी दे विच भट्ट साहिबान ने गुरु नानक साहिब जी की प्रतिभा बारे बचन किए ने, वह कहिंदे प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रकाश। कहिंदे गुरु नानक साहिब जी सब तो पहला चंद रूप इस संसार दे विच प्रगट होए पैदा होए, उन्हां दे प्रकाश दे नाल संसार दे विच खुशी होई। ते फिर भाई नंद लाल जी ने गुरु नानक साहिब जी की शख्सियत प्रथाए उन्हां दी प्रतिभा प्रथाए बचन किया। भाई नंद लाल जी कहिंदे गुरु नानक आमद नारायण स्वरूप, गुरु नानक साहिब निरंकार दा अकाल पुरख दा स्वरूप सन, हमाना निरंजन निरंकार रूप। ते इस प्रथाए गुरबाणी दे विच गुरु साहिबान ने कहा आप नारायण कला धार जग मह परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। वह निरंकार अकाल पुरख की जोत सन। ते गुरु सवारी साहिब संगत जी भाई नंद लाल जी ने डॉक्टर गंडा सिंह जी भाई नंद लाल ग्रंथावली दे विच भाई नंद लाल जी के हवाले नाल गुरु नानक साहिब के नाम की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। अजकल साडा दुखांत की है, असी अपने बच्चों के जेडे नाम ने वो अर्थहीन रखते हैं, जिन्हों का कोई अर्थ नहीं हुंदा। नाम दे विच ही बड़ा अर्थ है, बड़ा बल है, क्योंकि नाम है जेड़ा वो एक शब्द है। गुरु साहिब ने भी शब्द नूं गुरु कहा, तो शब्द सानू कित्थों तो कित्थे तक पहुँचा दिंदा है। जदों असी किते दूर दराडे जाना है पहुँच मार्ग लगे होंगे ने, शब्द ही हुंदा है जिहड़ा सानू एक थां तो अगे एरो दे निशान राही दस दिंदा है। जे तुसी जलंधर जाना है जलंधर इस साइड ते, वह शब्द है। इसे तरह साडा नाम है जिहड़ा वह शब्द है, वह अर्थ वाला होना चाहिए। तो भाई नंद लाल जी ने बड़ा सुंदर वचन किया है गुरु नानक साहिब जी के नाम बारे, वो कहिंदे दो नून नाम प्रकाश नहीं बा नसीर, बा अल्फो म्याना अहद बा काफ आखरीन कबीर। कहिंदे गुरु नानक साहिब जी के नाम दे विच जिहड़े दो नन्ने ने ना ये बड़ी महत्ता रखते हैं। पहला नन्ना जिहड़ा वह नईम का अर्थ करता है, नईम का अर्थ होंदा है मददगार, ते दूसरा है नसीर, ये मदद करन वाला है। पहला जिहड़ा नईम है वह दाता देन वाला है। गुरु नानक साहिब जी अपने आप दे विच एक मददगार सन, उन्होंने दीन दुखियां दे मसीहा रूप दे विच इस संसार ते तपदी हुई लुकाई नूं ठंड प्रदान कीती। गुरु नानक साहिब किस तरह मदद करते सन, जदों कंधार दे विच भाई मरदाने जी दे नाल सर्ब लुकाई दे कल्याण हित प्रचार कर रहे सी ना, उन्हां नूं एक लोड़वंद व्यक्ति ने वेख्या। जदों दर्शन किए सतगुरु नानक पातशाह जी का चेहरा जाहो जलाल बड़ा ही रूहानी सीगा, ते एक अमीर जादे की तरह सी, ते मंगते ने वेख्या जिहड़ा लोड़वंद सी कि ये बड़ा ही तनाड़ मुख लगता है। ते उन्हें बेनती की कि मैं बहुत ही लोड़वंद हाँ, मैनू लोड़ है, मेरी मदद करो। गुरु नानक पातशाह जी ने कहा कि भाई साढ़े कोल
कोई धन दौलत नहीं, तू इस तरह कर जे तेरी लोड़ है तू सानू वेच दे किसे कोल ते अपनी लोड़ पूरी कर लै। ते गुरु सवारियो कहिंदे उन्हें गुरु नानक साहिब ते भाई मरदाने जी नूं 250 रुपए च वेचता अपनियां लोड़ां पूरियां कीतियां। ते जिहड़ा बंदा खरीददार सी उन्हें गुरु नानक साहिब ते भाई मरदाने जी नूं भेड़ां बकरियां चारन दे वास्ते भेज दिता। ते जदों भेड़ां बकरियां चार के शाम नूं घर आउंदे ने प्रशादा पाणी छकदे आ ते शाम नूं गुरु साहिब जी नितनेम जो रूटीन सी उन्हां दा कहिंदे भाई मरदाना जी रवाब छेड़ शब्द गायन करिए। ते उन्होंने शब्द गाया, ये जित्थों मैं साखी पढ़ी उन्हें शब्द नहीं दस्या किहड़ा गाया, कहने तो भाव है एक शब्द हर एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल, किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी ना आवै। एक शब्द भी भगत कबीर जी कहिंदे कबीर सतगुर सूरमे बाहया बाण जो एक लागत ही भुएं गिर परिया परा कलिजे सेक। ते गुरु सवारियो एक शब्द ने उस जिहड़ा खरीददार सी उहदा जीवन बदल के रख दिता। हुण गुरु नानक साहिब ने दो मनुखां दी इस स्थान ते मदद कीती, एक लोड़वंद दी, दूसरा जिहड़ा लालची वृत्ति वाला सीगा उहनूं भी सीधे रस्ते पाया। तो साडा भी फर्ज बनता है कि असीं सतगुरु दे सिधांतां दे उपर चल के अपना जीवन आ जिहड़ा उह ढालिए। समुची संगत दा, प्रबंधकां दा, संत बाबा सुच्चा सिंह जी और कोआर्डीनेटर जो सैमीनार दे डॉक्टर साहबान उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। होईआं भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।